ولله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون परेशान, सो जावे तो उठने के अंदर अल्लाह का मोहताज। इसलिए
हदीसों के अंदर दुआएं आई है कि जब बंदा सोता है तो ये इकरार करता है कि अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वा अहया, कि अल्लाह मैं तो मर जाता हूँ और तू ही मुझे ज़िंदगी देता है। इंसान सो जाता है तो गुम हो जाता है, ये किसी चीज़ का अता पता उसको रहता नहीं है, और फिर ये मर जाता है अल्लाह का नाम लेकर, और फिर सुबह में अल्लाह उसको उठाते हैं। अल्लाह ना उठाए तो ये उठ नहीं सकता, कमज़ोर है, इरादों में भी कमज़ोर, ज़ात में भी कमज़ोर, सिफात में भी कमज़ोर, कि उसकी हर उसका हर हर कदम कमजोरी को बता रहा है कि बंदा बहुत आजिज़ है, बहुत कमज़ोर है। तो ये कमजोरियों को जानने के बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उसके सारे अज़र अल्लाह के सामने मौजूद है, ये अल्लाह की आँख सोने वाली उंगने वाली नहीं है। इंसान तो कमज़ोर है, सो जाता है, थोड़ी देर बैठा रहे और रात में नींद ना आए तो यही नींद आना शुरू हो जाती है कि वो सब ओंग उसको उचक लेती है। और अल्लाह के साथ कि ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, कि ना उसको झोंका आता है और ना उसको नींद आती है, वो नींद से भी पाक, झोंकों से भी पाक। और इंसान ये इंसान का तो हाल ऐसा है कि रात में थोड़ी सी नींद के अंदर खलल इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को अपना तारुफ कराया, अपनी पहचान कराई कि बंदे अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करें। जिस जिंदगी को इंसान बहुत कुछ समझता है कि मेरी ये जिंदगी और मैं फलां 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 मर्तबे पर चले जाऊंगा और मैं फलां 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 काम अंजाम दे दूंगा और मैं इतना माल जमा कर लूंगा और मैं ये शान शौकत बना लूंगा, तो अल्लाह उसको झिंझोड़ते हैं कि मेरे बंदे ये तुझे नहीं मालूम कि तुम जिन अज़ाइम को तू सोच रहा है वो अज़ाइम वजूद में आने के लिए मेरे मोहताज है। ये मैं ना चाहूं मा तशाऊना इल्ला अय यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मेरे बंदे तू जो चाह रहा है तेरी जी की चाहतों को पूरा होने के अंदर मेरे 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 हुक्म का दखल है। कि इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अय यकूल लहु कुन फयकून, कि जब मैं किसी चीज के बारे में चाह लेता हूँ कि वो चीज वजूद में आनी चाहिए तो मैं कह देता हूँ कि हो जा, तो फिर चीजें होती चली जाती है। मेरे आगे कोई चुनौ चिरा करने वाला नहीं है, मेरे आगे कोई जेर व जबर करने वाला नहीं है। इसलिए मोहम्मद लाट साहब एक मरतबा निजामुद्दीन के अंदर वो चाय के बर्तन धोकर जा रहे थे, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में थे, तो चाय के बर्तन धोकर जा रहे थे, तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने बुलाया, बोले अहमद इधर आओ। फिर मौलाना को फरमाने लगे हजरत जी दो बातें फरमाई कि देखो ये जो काम है ये काम चालाकियों से नहीं चलता, ये काम इखलास से चलेगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया यहाँ के काम करने वाले जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, ये जो आज हम मिलजुल कर बैठे हुए हैं, मैं नहीं अंदाजा कि ये चमन को लहलहाने के अंदर कितना खून पसीना बहा है, हमें नहीं मालूम कि कितनी कब्रें अल्लाह के राहों में के अंदर बनी है, अल्लाह के रास्ते में कितनी कब्रें बनी है। ये कि वो कहते हैं कि चमन की बहार को हर कोई देखता है, जब चमन लहलहाता है और जब ये सरसब्ज और शादाब हो जाता है तो इसकी बहार को हर कोई देखता है, लेकिन इसके पीछे उस बागबान के उस माली के पसीने को, उसकी मेहनत को, उसकी जफाकशी को, कि उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। कैसा काम करने वाले लोग आसिफ अल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, चूंकि हमें मालूम नहीं है, हम समझते हैं कि जो हमने देखा जो हम कर रहे हैं ये सब कुछ है। जो इंसान अपने माजी को नहीं याद रखता, जो इंसान उलमा ने लिखा है, जो इंसान अपने माजी को नहीं याद रखता और अपने माजी के मोहसिनीन को याद नहीं रखता कि उससे मुस्तकबिल में कोई खैर की उम्मीद नहीं है। ये वो लोग थे, वो मोहसिनीन थे कि जिन्होंने कितनी रातें कुर्बान की हैं,
अपने बच्चों की आहों बकला कुर्बान की है, अपने बीवियों की जुदाई बर्दाश्त की है। ये मकसद क्या था परेशान नजर? ये मकसद ये था कि इस मट्टी के अंदर दीन जिंदा हो जाए, इस फिजा के अंदर बेदीनी खत्म हो जाए और इस फिजा के अंदर दीन जिंदा हो जाए। ये उसके लिए जब तक कुर्बानियां वजूद में नहीं आती, जब तक अल्लाह के लिए तड़पने वाले बेकरार होने वाले वजूद में नहीं आते कि वहां तक अल्लाह ने उसूल बनाए कि जब उन जाब्तों को अपनाया जाता है फिर हिदायत के दरवाजों को अल्लाह खोलते हैं। हज़रत अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने सुना कि जब वो इंफिरादी मुलाकातों में जाते हैं, हमारी दावत की मेहनत घर घर की मुलाकात का नाम है, फर्द फर्द के लिए बेकरार होने का नाम है कि किस बंदे में कितनी सलाहियत है कि उसके इस्तेआदात के खुदा के नाम पर लग जाए, कि उसकी इस्तेआदात दीन पर लग जाए, उसका जान माल का इस्तेमाल सही हो जाए, कि उसके लिए दर दर की मुलाकातें, घर घर की मुलाकातें और एक एक दरवाजे पर जाया जाता था इस उम्मीद पर कि खुदा करे कि ये बंदा अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल होने वाला बन जाए। यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अपने बयान के अंदर कि दो चीजों पर मेहनतें होती है, एक जमीनों पर मेहनत होती है और जमीनों से निकलने वाली चीजों पर मेहनत होती है। कि दुनिया की मेहनत जमीन पर और जमीन से निकलने वाली चीजों पर, और ईमान वाले की मेहनत के भी दो रुख है, एक ईमान पर मेहनत और ईमान वाले के बदन से निकलने वाले आमाल पर मेहनत। ये दो मेहनतों का रुख जब सही हो जाता है, जब ये दो मेहनत अपने असल मकसद पर आती है तो फिर अल्लाह ताला हिदायत की हवाओं को चलाते हैं, फिर हाथ फिराते हैं और वो बंदा तैयार होता है अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए कि ये काम वो काम है, मदर जी मौलवी अस्ताद रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि ये काम वो काम है कि जिसको मैं कर रहा हूँ और जिसको मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि इसका सौवा हिस्सा भी नहीं समझा पाया, और जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं इस काम को कर रहा हूं, जो मैंने समझा है उसका सौवा हिस्सा मैं कर रहा हूं। इसलिए मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात को पढ़ना चाहिए कि हजरत जी मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस काम से क्या मुरादें थी, इस काम से क्या मकसद थे, इस काम से क्या चाहते थे और इस काम को कैसा चाहते थे। कि ये काम मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की मंशा, लोगों ने पूछा कि आप इस काम से क्या चाहते हैं, कि आप इस काम से आपका क्या मकसद है, तो मौलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि या मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ना मैं माल चाहता हूँ, ना वजाहते चाहता हूँ, ना ओहदे चाहता हूँ, ना मर्तबे चाहता हूँ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन, कि ये लाया हुआ दीन पूरी दुनिया के अंदर कैसे जिंदा हो जाए। इतने मचलते थे, इतने बेकरार होते थे कि रात में नींद नहीं आती, अहलिया मोहतरमा रहिमहुल्लाह पूछती कि क्या बात है, कि मौलाना क्या बात है, क्यों नहीं सो रहे हैं आप। मौलाना फरमाते कि क्या करो, ये नींद नहीं आ रही, या रब ये शब कैसी, ना सोए कटे ना रोए, कि बेकरारी के हाल के अंदर कि अगर मैं तुझे बता दूं, अहलिया से कहने लगे कि मेरे अंदर का गम तुझे बता दूं तो मेरे साथ तू भी जागने वाली बन जाएगी। एक ठाटे मारता समंदर दिल के अंदर था, रोते थे तो बाहर तक जंगल था उस जमाने के अंदर, बंगले वाली मस्जिद का तरह ये जंगल था और रोते थे तो बाहर तक आवाज जाती थी, इतना बेकरार होकर रोते थे। ये काम ये कोई तहरीक नहीं है, ये कोई तंजीम नहीं है, ये हमदर्दी का नाम है, ये खैरखाही का काम है, ये कैसे इंसानियत सही डगर पर लग जाए, ये इंसानियत का जान और माल सही इस्तेमाल हो जाए, कि उसके लिए कुर्बानी, उसके लिए मेहनत, उसके लिए जाबशानी, उसके लिए जफाकशी, उसके लिए मुजाहदे, उसके लिए नकलो हरकत, घरों से निकलना। मेरे अजीजों, ये अल्लाह ताला ने ये जान और माल
ये कोई ऐसे नहीं दी है, बल्कि ये जान और माल अल्लाह ताला ने बड़ी अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है कि जिस दुनिया के ऊपर, जिस जिंदगी के ऊपर हम इस जान माल को लेकर गफलत के अंदर हैं, अल्लाह ताला हम सब की गफलतों को दूर फरमाए कि हाँ हम सारे के सारे क्यों कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अजीब बात फरमाई है। अल्लाह करे हमें बात समझ आए। ये दुनिया के बारे में अल्लाह फरमा रहे कि ये धोखा है नजरों का, ये आंखों का धोखा है। एक ऐसा धोखा है कि जो दो जगहों पर खुलेगा, एक तो सबसे पहली जगह खुलेगी कि मौत, कि जब कब्र के अंदर आंखें खुलेगी तो उसको पता चलेगा मैं क्या करके आया, मेरी प्यारी जिंदगी मैंने कहां गवा दी, ये किसको देनी थी, मैंने किसको देकर आया, ये चंद रुपयों ठिकड़ों के ऊपर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, ये जिस जिंदगी का एक एक लम्हा इतना कीमती था, इस जिंदगी का एक एक लम्हे पर जन्नत के दर्जात थे और फिरदौस से आला के दर्जात थे, मैंने उन लम्हों से दुनिया को समझा और दुनिया ही की सारी चीजों को समझा। अल्लाह ताला फरमाएंगे आखिरत के अंदर कि हमने तो तुम्हें नेमतें दी थी लेकिन तुमने नेमतों का मसरफ गलत कर दिया, तुमने नेमतों का इस्तेमाल गलत कर दिया। इसलिए मेरे अजीजों, इंसान अपने अपने आप पर गौर करे कि मैं हूं क्या, मैं हूं कौन, मैं किस लिए पैदा किया गया हूं, मेरा वजूद क्यों है, क्या मैं वक्त गुजारी के लिए दुनिया के अंदर हूं या मेरी जिंदगी का वक्त गुजार के मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मुझे एक अजीम मकसद के लिए मेरा अल्लाह ने पैदा किया है, कि वो इतना अजीम मकसद है कि जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, इन قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने से पहले फरमाया कि मैं एक इंसान को बनाने वाला हूं, मैं जमीन के अंदर अपना जानशीन बनाने वाला हूं, मैं जमीन के अंदर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ताला ने अपना जानशीन इंसान को बनाया कि दर्जे के एतबार से, रुतबे के एतबार से इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि अल्लाह ने अपना अपनी जात का जानशीन इंसान को बनाया। मैं और आप ये कौन है कि मैं और आप अल्लाह के जानशीन है, अल्लाह के जानशीन है कि ये इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दिया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान के अंदर, इन्ना अरदना अलअमानत अलस्समावात वलअर्द वलजिबाल फअबैन अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अलइंसान, क्यों, कि इन्नहु काना ज़ालूमन जहूला, कि हमने जमीन और आसमान ये और पहाड़ों पर इस अमानत को पेश किया, हमने इस अमानत को जमीन पर पेश किया तो जमीन ने इनकार कर दिया, आसमानों पर पेश किया तो आसमानों ने इनकार कर दिया, हमने इस अमानत को पहाड़ों जैसी मजबूत मखलूक पर पेश किया तो पहाड़ों ने भी उठाने से इनकार कर दिया कि ना हमारे उठाने की ताकत नहीं है, वो अश्वत न में नहा सिर्फ इनकार नहीं किया। इस अमानत को इंसानों ने उठाया क्यों, कि इंसान का हाल क्या था अमानत को उठाने से पहले, कि इन्नहु काना ज़ालूमन जहूला, कि इंसान बड़ा ज़ालिम था, बड़ा जाहिल था, बड़ा नावाकिफ था, बड़ा नादान था, बड़ा सितमगर था, अपने जानों पर जुल्म करने वाला था, लेकिन इस अमानत को उठाने के बाद जब ये तरक्की करता गया और ये जब ये सिफात के अंदर आगे बढ़ता चला गया तो इस इंसान ने, कि जो इंसान ज़लूम और जहूल के दर्जे के अंदर था, वो इंसान जब तरक्की पर आता है और अल्लाह के दीन को दुनिया के अंदर बुलंद करने पर आता है तो फिर बड़े बड़े फरिश्तों को ये इंसान पीछे छोड़ देता है। ये इतना अजीम शान, ये रुतबा मिला जिन्हें मिला, ये काम ये मामूली काम नहीं है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मीरास है, कि हादिही सबीली, कि ये मेरा काम है, अदउ इलल्लाह, कि इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुला। ये इतनी बड़ी इंसानियत, ये हमारा शहर है
अल्लाह ताला इसको फलावे फुलावे, अल्लाह ताला यहाँ पेश पे इंतहा बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला यहाँ मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और दुआत इला अल्लाह अल्लाह ताला पैदा फरमाए हमारे इस मट्टी को, अल्लाह ताला जो मदीनतुल औलिया थे अल्लाह ताला दोबारा उस नगर पर इस शहर को चला दे कि ये शहर वो था कि जिसने मुल्कों के तकाजे पूरे किए हैं। कई सुबों के अंदर अल्लाह ताला ने इस शहर को जरिया बनाया कि उन पूरे सुबों के अंदर अल्लाह ताला ने इस शहर को जरिया बनाकर वहां काम को जिंदा फरमाया। इसलिए मेरे अजीजों, इंसान अपने बारे में सोचे कि मैं हूं क्या, मैं बना कैसा हूं, मैं बना कैसे हूं, मेरे इब्तिदा क्या है। इसलिए हजरत इमाम यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसान को देखने के लिए नजर चाहिए, खुदा करे हमारे पास वो आंखें नसीब हो जाए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस चीज की मश्क करें कि हर चीज को मट्टी देखना आ जाए, हर चीज को, क्योंकि आंखें जो देखती है वो हाल देखती है, उसका माजी और मुस्तकबिल आंखों से गायब होता है, आंखों से ओझल होता है, क्योंकि इंसान की इब्तिदा मट्टी थी। आज बहुत बड़े इंजीनियर साहब है, वजीर आला है, और पता नहीं सदर साहब है और कौन से साहब है, ये इन सदर साहब की इब्तिदा मट्टी थी। मैं जो अभी हाल देख रहा हूँ ये चंद वक्त के लिए दी गई है, इनके पास एक रहमत है, फिर इनके इंतहा क्या होगी कि फिर यही सदर साहब और फुलाना साहब और अल्लाह की जात है और सब कुछ अल्लाह ही की जात से है, बाकी इंसान के इंसान एक वक्त एक मुकर्रा वक्त के लिए है। ये जो दो नमाज के अंदर दो सजदे हैं उसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं कि मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इंसान पहला सजदा करता है तो सजदे के अंदर उसको ख्याल आना चाहिए कि मेरी इब्तिदा मट्टी थी जिस मट्टी से मैं मिल रहा हूं, और पहले सजदे के बाद दूसरे सजदे के अंदर ये ख्याल आए कि मेरी इंतहा भी मट्टी है जिस मट्टी के गढ़े के अंदर मुझे जाना है, और दरमियान का कयाम कि वो मेरी मुख्तसर सी जिंदगी है, ये मुझे नहीं मालूम कि वो मुख्तसर सी जिंदगी में अल्लाह की मकबूलदारी में गुजार रहा हूँ या अल्लाह के नाम और ज़ियाद पर गुजार रहा हूँ, ये मुझे नहीं मालूम कि कैसे गुजर रही है, लेकिन ये बात जरूर है कि गुजरने वाले पलों के बारे में अल्लाह पूछेगा कि हाँ भाई भाई ये बताओ कि क्या करके आए हो, क्या क्या जिंदगी के अंदर किया, कि हाँ इंसानों से पूछा जाएगा कि हमने नामतों से नवाजा था, और कैसी नामत है, कितनी नामत है, कि इंसान अपनी तखलीक पर गौर करे, अपनी इब्तिदा पर गौर करे, कि तुम जअलना नुतफतन फी करार मकीन, अल्लाह अकबर कबीरा, कि हमने एक अलम यक नुतफतन मिन बनी युमना, अल्लाह कुरान के अंदर इंसानों से सवाल पूछता है कि इंसानों क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम एक टपकाए जाने वाला एक खतरा थे, एक 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 में माइन महीन एक भारी पानी और नापाक खतरा थे, और उससे पहले की आयत उसके बाद वाली आयत कुरान की, हल अता अलल इंसान हीन मिन अत्तहर लम यकुन शैअन मذكूरा, कि इंसान तो गौर तो कर अपने आप पर कि तेरे ऊपर एक जमाना गुजरा है तू जबान से कहे जाने के लायक कोई चीज नहीं था, तो पता नहीं कहा किन वादियों में किन कहकशाओं में किन मट्टी के जर्रात के अंदर किन फलों और फूलों के अंदर था, तेरे रब की कारीगरी की थी कि तेरे रब की सुनाम और कारीगरी ने हादा खल्कुल्लाह अरूनी मादा खल्कल्लदीन मिन दूनी, अल्लाह की जात के अलावा कौन है कि जो इस कारीगरी को करके दिखा सके, जो एक नापाक पतरे को और एक कमजोर बदन के अंदर तीन पर्दों के अंदर फेदोरमादिन खलाफ तीन अंधेरियों के अंदर जिस नक्काशी को कर रहा है वो अल्लाह के यसोवेरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, कि अल्लाह की जात है कि जिसने एक पानी के ऊपर तस्वीर और नक्काशी करके दिखा दी, कोई है कि जो पानी के ऊपर तस्वीर बनाकर दिखा सके, ये अल्लाह की जात है। अल्लाह कुरान के अंदर पूछते हैं ये मेरे बंदे अपने इक्तदा पे तो गौर कर, ये मैंने तुझे कैसे बनाया, ये तू बिल्कुल कमजोर था, तू बिल्कुल मोहताज था, और मैंने तेरी ऐसी परवरिश की कि तुम जअलना नुतफतन फी करारिल मकीन, कि 9 महीने मैंने किया, कौन था कि जिसने दुष्ट को रोजी को पहुंचाया, और फिर अल्लाह कह रहा है बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर कि वलकद खलकनल इंसान वलकद थुम्मा खलकनल नुतफा अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामन
فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. ये इंसानों से अल्लाह ताला सवाल पूछता है कि मैंने बनाया या आप खुद ब खुद अपने आप बन गए? ये अल्लाह इंसानों से पूछते हैं कि इंसान अपने इक्तदा पर गौर कर कि मैंने तुम्हें बनाया है अपने आप बन गए? ये तुम्हारा हाल ये था कि तुम कुछ नहीं थे, मैंने उस एक नापाक कतरे को क्या किया कि जमा हुआ खून बना दिया, फिर एक मुद्दत गुजरने के बाद वो जमे हुए खून को क्या किया कि उसको मैंने फिर जमी हुई बोटी के अंदर तब्दील किया, फिर उसको मुख्तलिफ हड्डियों के अंदर तब्दील किया, और फिर मैंने उसके ऊपर खाल की चादर को उड़ा दिया कि अगर अल्लाह ताला खाल को ना उड़ाता और अल्लाह ताला इस चादर और चादर को ना पहनाता, अगर खाल ना होती तो मेरी आदत में मेरी ओज और मेरा अंदर का सारा अयूब जाहिर हो जाता, कि मेरे रब ने खूबसूरत लिबास पहनाया कि सारे ऐब छुपा दिए अल्लाह ताला ने। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन था ये जिसने इन सारे निजाम को चलाया, फिर चार महीने तीन चिल्लों में गुजर जाने के बाद तो मानशाना हो खल बनाकर उसके अंदर रूह को किसने डाला, किसने रूह को पैदा किया कि जो रूह बदन के अंदर आ गई और सारे पूरा हिफाजती निजाम है, अंदर दाखिल होने की जगह नहीं है, लेकिन अल्लाह का अम्र है खुद, अल्लाह ने कह दिया अंदर दिल धड़कना धड़कना शुरू हो गया। किसने पूरे निजाम को चलाया? अल्लाह इंसानों से पूछता है कि मेरे बंदे तू बता दो सही कि तुझे कैसे बनाया और फिर तू दुनिया के अंदर काम कर दिया तेरे लिए दुनिया में आना, तो अपनी इब्तिदा पे गौर कर, अपने रब के एहसानात पर गौर कर कि फिर तेरी इब्तिदा हुई और फिर तुझे हमने तेरे माँ बाप के दिल के अंदर तेरी मोहब्बत डाल दी। अगर माँ बाप के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत ना डालते, बाजे जगह पर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे पैदाइशी बच्चे हमने देखे कि क्या हुआ कि उन्हें कोड़ा करकट की जगह पर डालकर चले गए। मेरे रब ने मुझ पर एहसान फरमाया कि मेरे माँ बाप के दिल में शफकत अल्लाह ने डाली, जिस शफकत के नतीजे में मेरी आहें मेरी माँ पहचानती थी, मुझे प्यास लगती मेरी माँ जानती थी, मैं बेकरार होता मेरी माँ जानती थी कि ये क्यों रो रहा है, क्यों बेकरार हो रहा है, ये मेरे माँ बाप के दिल में अल्लाह ताला ने वो शफकतें डाली, वो मोहब्बतें डाली कि पूरी दुनिया खर्च कर देता तब भी वो मोहब्बत ना ला सकता कि जो मेरे रब ने मुफ्त में मेरी माँ और बाप के दिल के अंदर डाल दी। और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को परवान चढ़ाया, अलम नजअल लहु अईनैन वलिसानन वशफतैन, कि आंखें दी ज़बान दी, कि इसमें भी बंदा मोहताज था, कि अल्लाह ताला ने दो चीजें सबसे पहले दी कि सबसे पहले बंदा भूख का मोहताज होता है तो अल्लाह ताला ने आंखों से देखने का दिया सामान दिया और होठों के जरिए से दूध का इंतजाम किया, इसकी बेकरारी चालू हुई अल्लाह ताला ने मां के अंदर दूध का इंतजाम कर दिया, पूरी कायनात को अल्लाह ने इंसान की खिदमत के अंदर लगा दिया कि अल्लाह के इतने एहसान बंदे के ऊपर अल्लाह ताला क्यों कर रहा है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसके पीछे बड़ी वजह है, खुदा करे मुझे सही समझना आया। मैं अल्लाह ताला ये सारे कुदरत का निजाम अल्लाह इंसान को दिखा रहा है कि तू सोच तो सही कि मैंने किन किन मराहिल के अंदर तेरे लिए रोजी का इंतजाम किया, कैसे मुश्किल लम्हात के अंदर मैंने तेरी रोजी को पहुंचा कर दिखाया, तुझे ये किसने धोखा दे दिया, तुझे किसने धोखा दे दिया कि तू अगर दीन की मेहनत करेगा तो तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये किसने धोखा दे दिया कि तू बिल्कुल कमजोर था जब तू कुछ नहीं कर सकता था, बिल्कुल लाचार मोहताज मजबूर था जब मैंने तेरे रोजे का इंतजाम किया, तो मैं तुझे दुनिया में आने के बाद दीन की मेहनत करने के नतीजे में क्या मैं तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। मेरे अजीजों, ये दावत की मेहनत ये तजर्बात की दुनिया मौजूद है, देखे ये 90 साल से मुतजावज इस मेहनत को देख ले उठाकर कि अल्लाह ताला ने बेशुमार हजारों ने लाखों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को इस मेहनत के जरिए से बनाया, कि इतना अजीम काम अल्लाह ताला ने दिया कि अल्लाह ताला ने मुल्कों वालों को जोड़ दिया, काले गोरों को जोड़ दिया, अरब और अजब को जोड़ दिया, ये सारे के सारे कलमे के ऊपर जोड़ गए, ये भूल गई थी उम्मत, ये मेहनत छूट गई थी, बड़ी सदियां गुजर गई, अल्लाह ताला ने सदियों के बाद ये नेमत अता फरमाई
कि मुल्क के मुल्क सिर्फ एक कलमे के नस्बत पर जुड़े हुए, सिर्फ एक कलमे के नस्बत पर जुड़े। ये क्या हुआ कि कोई बात नहीं है, कौन है कि यूरोप से आए हैं, कौन है कि अफ्रीका से आए हुए हैं, कौन है कि दिल्ली और यूपी से आए हुए हैं, ये क्या बात है कि भाई कोई बात नहीं है, अल्लाह के कलमे को लेकर आए हैं। तो फिर दिल के दरवाजे खुल गए, घरों पर खाने तैयार होना शुरू हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, जब अंसार ने हजरत उमर से पूछा कि हम चाहते हैं कि हम खेती बाड़ी करें, और अब तो माशाल्लाह काम फैल गया है, हम चाहते हैं कि खेती बाड़ी करें, तो उस पर उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, ये उमर वो थे कि जिन्हें जिनके जरिए अल्लाह तआला ने बड़ी ऐसा काम अल्लाह तआला ने इंतजामी दुनिया का लिया कि हजरत उमर का सानी कोई मौजूद नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा खुला हुआ होता तो नबूवत का ताज हजरत उमर के सर पर रखा जाता। ये उस अजीम और अजीम अल मर्तबत सहाबी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि क्या कर रहे हो तुम, ये समझ रहे हो कि तुम दुनिया आबाद कर लोगे तो तुम्हारा दीन महफूज रह जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया कि तुम दीन की मेहनतें करो, जब तक तुम दीन की मेहनतें करते रहोगे तो याद रखो यहूद और नसारा कमाएंगे और खाओगे तुम, और जब तुम दीन की मेहनतें छोड़ दोगे, जब तुम दीन की मेहनतें छोड़ दोगे तो तुम्हारे अपने कमाए हुए रोजी महफूज नहीं रहेगी। मुख्तलिफ नामों के जरिए से रोजी जा रही है,
जाए और बन जाए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तैयार हुआ वो मजमा, ऐसा मजमा तैयार हुआ कि जिन्होंने जान लेना नहीं सीखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जानों को कुर्बान करना सीखा था। एक और जानों का जानों को कुर्बान करने वाला मजमा ये कैसे मिला कि ये एक काम दिया था, जिस काम के नतीजे में मौलिया सब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये काम नहीं है, ये तो तस्खीरे आलम का नुस्खा है। ये काम दिलों को मुसक्कर और पूरी दुनिया को मुसक्कर कर देने का नुस्खा इंसानों को मिला है। ये क्या हुआ, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने देखा कि बड़ी भीड़ जमी हुई है। इब्न उमर ने देखा कि भाई क्या बात हो गई, ये भीड़ क्यों जमी हुई है। तो लोगों ने बताया कि आगे शेर आ गया है जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी हो गई है, भीड़ जमा हो गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे तशरीफ ले गए, हट गए। जब देखा कि इब्न उमर आ रहे हैं, बड़े अजीमुल मर्तबे थे, जब देखा कि इब्न उमर तशरीफ ला रहे हैं, सारे लोग हट गए। हजरत इब्न उमर आगे चले गए, शेर दंदनाता हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उसके कान को पकड़ा है और उसके 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 काम को मरोड़ कर कहा कि क्यों अल्लाह के मखलूक को परेशान करता है। उसके उस शेर के काम को मरोड़ा है, वो शेर सीधा वहां से चल दिया है। ये क्या हुआ कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने इनके कदमों के लिए मुसक्कर कर दिया था कि कौन है। इन्नल्लाह अब्तअथना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। ये अहमदाबाद वालों का नहीं, पूरी इंसानियत का ये मकसद था, ये पूरी पूरे ईमान वालों का ये मकसद था कि ये अपने घरों से अल्लाह की नस्बतों पर निकले, अल्लाह के रास्तों में निकले, जिसके लिए पैदा हुए थे, जिसके लिए हम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने अजीम मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक चीज को पिए हुए थे, जब वो बादशाह जब पूरे पर्शियन एम्पायर के सामने खड़े हैं और बस तकत सहाबी है रबी इब्न आमिर उकबा इब्न आमिर, जब वो बादशाह किसरा के सामने खड़े हैं तो कहने लगे कि क्यों आए हो। उसने पूछा कि क्यों आए हो, बस सकत है, आगे छोटी है, सिया चेहरा है और इस हाल के अंदर बादशाह के सामने हाजिर हुए हैं कि आए नहीं है, हम यहाँ आए नहीं है, हमें भेजा गया है। इन्नल्लाह तआला दुनिया इला साहतिहा सलाम है, एक 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 अदना साहबी की सोच पर सलाम है। क्या अजीम सोच है, कितनी जबरदस्त सोच है। वो इतने बड़े पूरे पर्शियन एम्पायर को ललकार कर कह रहे हैं कि नाना हम आए नहीं है, हमें तो अल्लाह ने भेजा है, हमें अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह तआताना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद, के लोगों को लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए आए हैं, कि तुमने लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि लोगों को अल्लाह ने आजाद चुना है, उनकी माओ से आजाद चुना है, इन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये तो आज के जमाने के अंदर फ्रीडम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आजादी आजादी, ये क्या आजादी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल है कि माओ ने तो आजाद चुन लिया चुना था, लोगों ने गुलाम कैसे बना लिया। तो इब्न आमिर कहते हैं कि हम आए नहीं, अल्लाह ने भेजा है, और किसके पास भेजा है, तुम्हारी मच्छर के पर वाली दुनिया, मिन देखिक दुनिया, और तुम्हारे मुख्तसर से दुनिया, और तुम्हारी ये चाहो जलाली जो तुम्हें बहुत कुछ नजर आती है, तुम्हारे पेट तुम्हारे बदल के खाहा है। तुम इतनी सल्तनत इतने बड़े एम्पायर के मालिक हो, लेकिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे कत्ल की साजिशें कर रहे हैं कि कैसे मेरा बाप मरे और मैं सल्तनत का बादशाह बन जाऊं। वो उसका बेटा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तीसरा ऐसा तितर बितर होगा जैसे इसने मेरे खत को फाड़ कर तितर बितर किया है, अल्लाह इसकी सल्तनत को तितर बितर करेगा। वरना कुर्बान जाए, वो नबूवत की सदा थी, कहां खाली जानी थी। अल्लाह ने दिखाया 13 साल के अंदर जो तख्ता उलट हुआ है, 13 साल के अंदर 6 से ज्यादा बाप बेटों ने एक दूसरे को कत्ल किया, एक बादशाह बन साल के अंदर उनके यहाँ बादशाहों का कत्ल कर दिया गया। तो जिन जिन औरतों के
खाब थे और जिन पर उन्हें बड़े बड़े खबर थे अल्लाह ताला ने मलिया मेट करके रख दिया। और जब वो किसरा का ताज सहाबी के पैर के अंदर आया है तो सहाबी कहने लगे, ला तुम्हारी ये ताज छोड़, कहने लगे ये वो ताज जो किसरा के सर पर काम ना आया, मुझे क्या काम देगा, है कि हम दुनिया के लिए नहीं बने हैं, हम आखिरत के लिए बने हैं। उनका हर एक का ख्याल आखिरत का था, हर एक का ज़ौम आखिरत था, हर एक की फिक्र आखिरत थी और उसी के लिए जिया करते थे, उसी के लिए मरा करते थे। इसलिए फरमाते अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाय काश कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिया जाऊं फिर मुझे मारा जाए, फिर मैं जिंदा किया जाऊं फिर मुझे कत्ल किया जाए, फिर मैं जिंदा किया जाऊं ثم احيا ثم اقتل फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर मुझे कत्ल किया जाए, कि अल्लाह के रास्ते की मौत ऐसे ऐसे तलब ऐसे मतलूब थी। उमर फारूक ने अल्लाह वालो फरमाते थे कि اللهم ارزقنا شهادة في سبيل अल्लाह तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा, तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा। ये हजरत उमर के जज्बात थे जिनके जिसके लिए जन्नत सच कर तैयार उनके सामने खड़ी है, जन्नत जिनके मुश्ताक है, जन्नत जिनके इंतजार के अंदर है, जिनके इंतकाल के ऊपर अर्श ताकत सत अर्श के अल्लाह का अर्श जिनके इस्तकबाल के अंदर इंतजार में हो और हिल रहा हो, वो मजमा तैयार करके अल्लाह के नबी गए थे और एक काम देकर गए थे। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने हमें काम दिया है, बड़ा अजीम शान काम दिया है, खुदा करे हमें इस काम की मदद नसीब हो जाए। मेरे अजीजों, ये कोई मामूली काम नहीं है, ये बड़ी बड़ा कीमती सरमाया नसीब हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, इस काम की हिफाजत करना और इस काम को दुनिया के अंदर फैलाना और इस काम को दुनिया के अंदर पहुंचाना, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरे अजीजों, हम घर के नाम पे कुर्बान होने वाले, ये मेरा नाम मोहम्मद रखा गया, मेरा नाम इस्माइल रखा गया, मेरे नामों के अंदर कुर्बानी है, मेरे वजूद के अंदर कुर्बानी है, मेरे हर एक हड्डी अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने के लिए है। ये दुनिया के ठेकड़ों के लिए नहीं है, ये दुनिया की दुकानें आबाद करने के लिए नहीं है, ये जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के मुताबिक होती है। ये मेरा वजूद सराबा, मैं अल्लाह के दीन की नस्बत के लिए जी रहा हूँ, अल्लाह के दीन की नस्बत पर मरूंगा और अल्लाह के दीन की नस्बत पर दुनिया में फिरूंगा। ये मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ, मैं कोई अहमदाबाद के दरियापुर कालूपुर कानपुर शाहपुर के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं तो अफ्रीका के तपते हुए सहाराओं के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की उन वादियों के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं उन यूरोप के कलीसियाओं के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं हर मुल्क के अंदर जाऊंगा, खुदा का नाइब बनकर जाऊंगा। ये इंसानों सुन लो, सारी इंसानियत की कामयाबी अल्लाह ताला ने अपने दीन के अंदर रखी है, इन फिजाओं के अंदर कि अल्लाह ताला ने सहाबा की फिजाओं को मुअत्तर कर दिया था, जो हवाएं वहां से गुजर जाती थी उन हवाओं के जरिए अल्लाह ताला हिदायत दिया करता था। ये क्या हुआ, जब मेहनत छोड़ी है तो हवाओं के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या अल्लाह हम तो से हवाओं के शर की पर चाहते हैं, कि हवाओं में कौन सा शर होता है, हम समझते हैं कि तूफान का आ जाना ये शर है और बिजलियों का कड़कना ये शर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हवाओं के शर से आज 1450 साल के बाद ये दुआ समझ आ रही है, ये सारी मोबाइल की दुनिया, ये सारी इंटरनेट की दुनिया, के हवाओं के इतने शर फैल गए हैं, इतने शर हवाओं में फैले हैं कि अल अमान वल हफीज। मेरा दिलो, ये मेहनतों के जरिए से शुरूर खत्म होंगे, ये मेहनतों के जरिए से अल्लाह ताला बातिल ताकतों को मिटाएगा और अल्लाह ताला इन इंसानों के कुर्बानी के नतीजे के अंदर, ये जब खंदक के मौके पर कुर्बानी दी गई, जब तबूक के मौके पर कुर्बानी दी गई और ज़ातुल रिमाद के मौके पर कुर्बानी दी गई और मदर और हक के अंदर कुर्बानी दी गई और अखीर में सबसे अखीर के अंदर जज्बात की कुर्बानी पर सहाबा उतर आए कि आज तो माल का वक्त नहीं है, आज जान की कुर्बानी का वक्त नहीं है, आज अपने जज्बात को तोड़ने का वक्त है। और जब मौका आया और जब मौके जब सुलह हुदैबिया का वक्त आया, सहाबा रो रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं कि आज हम ताकत के अंदर भी, आज ताकत के अंदर ज्यादा है और मजबूत है, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दबा रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। ये जज्बात की कुर्बानी, उमर ने तलवार सौंपी और उमर ने कहा, या रसूलल्लाह क्या बात हो गई कि आप नबी पर हक नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं नबी पर हक हूँ, क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? नहीं, हमारा दीन भी सच्चा है। और फिर क्या इस्लाम हक नहीं है? कि इस्लाम भी हक है, तो फिर रब्बा सुला कैसे? तो उमर ने, आपने कहा था कि आप उमरा करेंगे, तो उमर जज्बात में आ गए थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ उमर, मैंने कहा था कि उमरा करेंगे, मैंने ये नहीं कहा था कि इस साल उमरा करेंगे, क्या
आइंदा साल ये अल्लाह को जब मुकद्दर हो तब हम करेंगे। सहाबा रो रहे हैं, बेकरार हो गए। उम्मातुल मोमिनीन में से एक अम्मी रज़ियल्लाहु अन्हा घर के अंदर तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और घर में जाकर कह रहे हैं कि मैंने हलक कराने के लिए कहा लेकिन कोई कोई मानने तैयार नहीं है। पता नहीं साहब, क्योंकि एक ऐसा हाल जारी हुआ था साहबा पर के दिन घरों को छोड़ा था, दिन नतुल्ला को छोड़ा था, दिन अदाई के साथ छोड़ा था। अल्लाह के नबी रोते हुए बैतुल्ला से निकले हैं, इतना रोए हैं बैतुल्ला को देखकर। अल्लाह ने फरिश्ते जिब्राइल को उतारा और भेजा, जाओ मेरे नबी से जाकर कहो इनमें लजी फरद अलैकल कुरान लरात तू गैला माल ऐ नबी, हम न करो परेशान मत हो। वो जात के जिसने आसमानों की बुलंदी से आप पर कुरान को उतारा, जैसे कुरान हक है, हाँ अल्लाह कह रहा है लरात तू गैला माल, अल्लाह ताला आपको अपने शहर मक्का दोबारा दाखिल करेगा, दोबारा पहुंचा कर दिखाएगा। ये तसल्ली दी गई निकलने के मौके पर। वो घड़ी आ चुकी थी और सुलह हुदैबिया का मौका है और सहाबा बड़े जज्बात में भरे हुए हैं। और ऐसा हाल है कि जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हलक कराओ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी उस मौके पर, जब अपनी अम्मी रज़ियल्लाहु अन्हा से उम्मातुल मोमिनीन में से कोई थी तो उनसे जब कहा कि कोई हलक नहीं करा रहा तो उन्होंने अर्ज किया कि सबसे पहले आप हलक करा लीजिए तो सारा मजमा हलक कराने पर आ जाएगा, यानी बाल उतरवाने पर आ जाएगा। और फिर उस पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर बैठ गए और सबके सामने अपने बालों को उतरवाना शुरू किया। सहाबा पर एक गम तारी था, एक पहाड़ टूटा कि क्या बात हो गई, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल उतरवा रहे हैं। सहाबा को होश आया, सारे सहाबा बैठे हैं, एक दूसरे के बाल उतारना शुरू किए हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा और असीयत लिखने वालों ने लिखा कि सहाबा को अंदाजा नहीं था कि हम एक दूसरे के बाल उतार रहे हैं या खाल उतार रहे हैं, सर से खून भी निकल रहा है, आंखों से आंसू भी जारी है। ये जज्बात तोड़े गए हैं, ये जज्बात कुर्बान किए गए हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर दीन जिंदा हो, दुनिया के अंदर अल्लाह के अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, उसके लिए बेकरार मजमा तैयार किया था। मेरे अजीज, घरों को आबाद करने के लिए नहीं, और हम घरों को आबाद करने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए हैं, खुदा का दीन दुनिया में बुलंद हमारे जरिए से हो जाए, उसके लिए हमारा इस्तेमाल हो जाए। मेरा अजीज, ये मेहनत अल्लाह ने हमें दी है, ये बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में ये वजूद में आई थी। मेरा अजीज, ये मेहनत के लिए इरादे करना और तय करना जिंदगी के अंदर के बड़े इरादे कर लिए, बहुत आजमों इरादे किए, लेकिन निकलते निकलते मैंने 10 साल लगा दिए, 15 साल लगा दिए, अब कब तक इंतजार करूंगा कि नहीं, अब वक्त आ चुका है कि इंशाल्लाह अल्लाह के नाम पर मैं इंशाल्लाह 4-4 महीनों के लिए अपनी तरतीब बनाकर इंशाल्लाह अल्लाह के रास्तों में निकलूंगा। तो खड़े होकर नकद साथी बताए कि इंशाल्लाह नकद में 4 महीने के लिए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए दुनिया में खुदा का दीन जिंदा हो जाए, उसके लिए मैं इंशाल्लाह तैयार हूँ। अपने अपने आप को पेश करें भाइयों, और पूरी दुनिया की इंसानियत की हिदायत की नियत करके अपने आप को खड़ा करें। इसलिए खड़े होकर अपने अपने नामों को पेश करें भाई। चार महीने हमारा कोई बड़ी बात नहीं है, 4 महीने मुख्तसर से चीज है हमारी जिंदगी के। हम साल गिने, कोई की 30 साल की उम्र है, कोई की 40 साल की उम्र है, कोई की 50 साल की उम्र है, के एक साल के अंदर 3-4 महीने आते हैं, 10 साल के अंदर 30 आते हैं, 20 साल के अंदर 60 आते हैं और 30 साल के अंदर 94 महीने आ जाते हैं। इतने सारे जो दुनिया पर लग गए हैं, कोई एक अल्लाह के नाम पर लग जाएगा तो कौन सी छोटी बात है। इसलिए भाई हिम्मत करके बताए ना लिखा है। अभी बेंगलोर जाना हुआ था तो वहां पर माशाल्लाह तश्कील हुई, आधे बेंगलोर का जोड़ था, जब वहां तश्कील हुई है तो नकद साथी, माशाल्लाह नकद साथी की बात कर रहा हूँ, 54 महीने की जमाते नकद बनी है। कितनी जमाते? 54 महीने की जमाते नकद बनी है। ये अहमदाबाद का मजमा है। मेरा जीरो तय करके अपने आप को पेश करे, मेरे इंशाल्लाह आज के दिन के तकाजे हैं, मैं अपने घरों के तकाजों को पीछे डालता हूँ और खुदा के दीन की तरजीह को, खुदा के दीन को मैं तरजीह देता हूँ और अपने आप को पेश करता हूँ। खड़े होकर हिम्मत करे भाइयों। कोई मुश्किल बात नहीं, आसान चीज है भाई, 4 महीने कोई बड़ी बात नहीं। पहल करें भाई, कोई साथी पहल करें, कहते अल्लाह तेरे दीन की बात हो रही थी और पूरा मजमा बैठा हुआ था, अब मैंने तेरे दीन की लाज, जो अल्लाह के दीन की लाज रखेगा अल्लाह ताला उसकी, उसके घरवालों की लाज रखेगा, उसकी नस्लों की लाज रखेगा। कोई पहल करे इंशाल्लाह, देखिए पूरी जमात यहां तैयार होगी इंशाल्लाह।
हिम्मत करे कोई पढ़ाई कर दे इतना माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल गनी भाई अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह देखा ये पहल हो गई है माशाल्लाह इतना करे भाई और शुरुआत करे कोई बड़ी बात नहीं है। चार महीने बाद तशरीफ रखे थे भाई वही खड़े तो खड़ा इंशाल्लाह तुम्हारा खड़ा रहना औरों के लिए सबब बनेगा इंशाल्लाह। साबिकून अलावलून जो जिसने पहल कर दी सारों का सवाब उसके खाते के अंदर। हिम्मत करे भाई कोई बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह हिम्मत करे आज पूरा ये मजमा बैठा हुआ मजमा नियत करे ये पूरा बैठा हुआ मजमा नियत करे कि इंशाल्लाह हम तमाम को मिलकर आज अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना है और एक जमात इस मजमे में से तैयार करनी है पूरे दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करके हम कोशिश बताएं। हिम्मत करने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है भाई थोड़ी सी हिम्मत करने का अल्लाह आसान करेगा। चार महीने अभी पूरे हो जाएंगे लॉकडाउन के अंदर बड़ा जमाना हम घर पर रहे हैं अपने सारे कारोबार को बंद करके रहे हैं तो मेरे अजीजों जैसे मजबूरी की हालत में हमने बंद किया था अब अल्लाह के नाम पर बंद रख लेंगे क्या बड़ी बात हो जाएगी। थोड़ा सा मजमा फिक्र करे अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखे इंशाल्लाह देखे अल्लाह ने चादर जमा करेगी इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह थोड़ा जोर से इंशाल्लाह हाँ अल्लाह बनाएगा अल्लाह अपने कुदरत से करेगा इंशाल्लाह थोड़ी हिम्मत करके बताओ भाई नहीं माशाल्लाह पहले